अस्सलाम वालेकुम। काउंटिंग इन द 10,000। 10,000 का मतलब ये है कि अब आपने 10,000 डिजिट पे जो नंबर आ रहा है आपने उसमें जो है वो 10 ऐड करते जाना है। तो आपने यानी कि 10,000 वाला आपका डिजिट चेंज होगा, बाकी नंबर आपका एज इट इज ही रहेगा। 15 में 10 प्लस करेंगे, यहाँ पर 10,000 पे आपको 15 दिया गया, यहाँ 27, यहाँ 58 और यहाँ 31। 15,000 प्लेस पर यहाँ पर आपको दिया गया है 10,000, 15 में 10 और मजीद प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा 25। 25 में मजीद 10 प्लस करने पर 35, 35 में मजीद 10, 45 एंड 55। अब 600 जो 2 का डिजिट है वो एज इट इज़ आपने नंबर्स के साथ राइट करते जाना है। 27 यहाँ 10,000 प्लेस पर है, 20,000 में 27 में जब 10 प्लस करेंगे तो आपके पास 37, 37 में मजीद 10 प्लस करने पर 47, 47 में मजीद 10 प्लस करने पर 57 और 67। 453 नंबर में चेंजिंग नहीं आएगी, ये एज इट इज़ ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह 31 यहाँ पर 10,000 प्लेस पर है, 31 में मजीद 10 प्लस करने पर 41,
10 मज़ीद प्लस करने पर 41 में 51, 51 में मज़ीद 10 प्लस करने पर 61 और 71। इसी तरह 591 जो है वो आपका एज इट 91 एज इट इज़ जो है ये नंबर साथ में राइट होता जाएगा। आपने जस्ट 10,000 प्लेस विद नंबर्स में 10 जो है थाउजेंड उसमें ऐड करते जाना है, तो आपका नंबर उस नंबर पर जो है 10,000 प्लेस पर नंबर में चेंजिंग आएगी। जी बच्चों, अब आपको क्वेश्चन स्किप काउंटिंग आपको टेंस के साथ आपने करनी है, ठीक है, 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेंस पे आप देखें कि क्या नंबर आ रहे हैं, 20 है, 20 में मज़ीद 10 प्लस होंगे तो 30, 30 में मज़ीद प्लस होंगे 40, 40 में मज़ीद प्लस होने पर 50 एंड 60। अब आप देखें कि यहाँ 100 और 1000 प्लेस का नंबर एज इट इज़ ही रहेगा। इसी तरह 3250 है, 3250 है, तो ये 50, अब 50 से 10 इंक्रीज़ करेंगे तो 60, 60 में मज़ीद 10, 70, 70 के बाद 80 एंड 80 के बाद 90, यानी कि 3290 आपका लास्ट जो आपका एंडिंग नंबर होगा। इसी तरह अब आप देखें 2580 है, 2580 के बाद 10, 90, 90 के बाद 2600 हो जाएगा, 2610 एंड 2600 जो है 20, ठीक है, ये आपका एंडिंग डिजिट होगा। इसी तरह आप टेंस के साथ जो है नंबर का चेंज करते जाएंगे। अब आपने वंस और टेंस प्लेस के नंबर आपके चेंज हो रहे हैं, जबकि थाउजेंड और हंड्रेड प्लेस के नंबर एज इट इज ही रहेंगे। कंप्लीट द सीक्वेंस स्किप काउंटिंग टेंस, ठीक है। अब दोबारा से आपने टेंस के साथ ही इनको करना है, ठीक है। 31 में 10 प्लस करने पर 41, 51, 61, 71 एंड 81, आपका 16 जो है 1 और 100 प्लेस 100,000 प्लेस का नंबर आपने एज इट इज़ ही राइट करना है। इसी तरह आपने 100, अब आपका अगला क्वेश्चन जो है 100 जो है स्किप काउंटिंग, अब आपने यहाँ देखना है कि 100 प्लेस पर क्या नंबर दिया गया है, 2, 5, 8 एंड 9, ठीक है। अब आपकी चेंजिंग 100 प्लेस के नंबर पे आएगी, ठीक है, 4, 4, 2, 100 प्लस करेंगे तो 4, 3 हो जाएगा, ठीक है। मज़ीद जब इसमें प्लस करेंगे तो 4,400 हो जाएगा 2, एंड फिर मज़ीद इसमें 100 प्लस करने पर 4,500 2, नेक्स्ट जब प्लस करेंगे तो 4,600 2, यानी कि अब आपने यानी कि आपको जो प्लस स्किप करने को दिया जाएगा उसी नंबर पर आपके डिजिट में भी चेंजिंग आएगी। इसी तरह 8,500 है तो 5 के बाद नेक्स्ट नंबर 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, आपका बाकी नंबर एज इट इज़ ही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे फिलिंग द मिसिंग नंबर विद स्किप काउंटिंग 1000, अब आप यहां देखें कि 1000 नंबर पे आपको क्या नंबर दिए गए हैं। 1000 नंबर पे यहां पर आपको 2, यहां 1, यहां 3 और यहां 2 दिया गया है। 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3,462, 3 के बाद 4,462, 4 के बाद आपका 5,462, फिर आपका 5 के बाद क्या नंबर आता है, 6,462, और लास्ट में आपको डिजिट दिया गया है। अब आप देखें कि यहाँ आपका सीक्वेंस चेंज किस नंबर पे हो रहा है, 1000 प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है। इसी तरह 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। बेटा अब आप देखें कि 0 100 प्लेस पे और 110 प्लेस पे जो नंबर हैं वो आपके एज इट इज़ ही आपने राइट करने हैं, उनमें कोई नंबर में चेंजिंग नहीं आएगी। इसी तरह अगर आप लास्ट में पोर्शन में क्वेश्चन में देखें, 2 के बाद क्या नंबर आएगा, 3, 3 के बाद क्या नंबर होगा, 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 एंड 7, 608 आपके हर नंबर के साथ ही ऐड होते जाएंगे। तो अब आपने स्किप काउंटिंग में आपने देखा कि आपने कैसे जो है आपने बगैर प्लस माइनस या कुछ भी किए आपने जस्ट अगर आपको वंस टेंस का कहा जा रहा है तो उसी नंबर पे डिजिट जो है वो चेंज होगा, उतने नंबर उसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये 3 पेजेस हैं 23 to 25 बच्चों आपने जो है रिवाइज़ करने हैं, और फिर आपका नेक्स्ट डे इनका टेस्ट भी होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।